हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लिए लेके आया हूं अशोक लेलैंड की 2518 BS4 काउल चेसिस के बारे में आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर दोस्तों इसके बारे में आपको गाड़ी के बारे में पूरा जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं बात करें इसके जो प्राइस की बात करें, जिसका जो एक्सोरूम प्राइस रहेगा आपका लगभग 19.5 लाख के आसपास इसका प्राइस रहता है, जो कि एक एक्सोरूम प्राइस है। वही आपका इसके एक्सल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक्सल कॉन्फ़िगरेशन आपको 6x2 का आपका इसके अंदर एक्सल कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रहा है। इसके अंदर जो बैटरी मिलेगी सर आपको 12 वोल्टेज की आपको दो बैटरी मिलेगी, जो कि बैटरी कट ऑफ के साथ आपको मिल रही है। मैं दोस्तों से बात करें अपन इसके केबिन की बात करें, इसके अंदर आपको नॉर्मल केबिन मिल रहा है, ब्राउन कलर का आपको केबिन मिलेगा। इसके अंदर जो ड्राइवर सीट है नॉर्मल आपको ड्राइवर सीट मिलेगी सीट बेल्ट के साथ, प्लस आपको हैंड ब्रेक मिलेगा साइड में। इसमें जो उसके यहाँ पर देख रहे हो इसके अंदर एक्सेलेटर पेडल ब्रेक क्लच आपको मिल रहा है। अब इसकी बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर के अंदर, तो आपके काफ़ी नॉर्मल इसके अंदर एक्सेलेटर इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर दिया हुआ है। इसके अंदर स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, एयर गेज और फ्यूल गेज और आपका टेम्परेचर मीटर आपको दिया हुआ है। इसके राइट साइड में आपका ब्लोअर कंट्रोलर्स दिया हुआ है। इसके अंदर आपको ब्लोअर का ऑप्शन आपको ब्लोअर आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको छोटा सा इसके अंदर स्टोरेज एरिया दिया हुआ है, ग्लोव बॉक्स दिया हुआ है। नीचे इसके अंदर आपके ड्राइवर्स कंट्रोल्स आपके दिए हुए हैं। दोस्तों की बात करें इसके केबिन की स्पेस के बारे में, इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस रहेगा। अभी क्या नॉर्मल आपका केबिन दिख रहा है, इसके अंदर बॉडी बनने के बाद इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस रहेगा, सोने के लिए काफ़ी अच्छी, आराम करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह रहेगी। यहाँ पे आपका गियर लीवर है, इसके अंदर आपका मैनुअल गियर बॉक्स आपको मिल रहा है, 6 स्पीड प्लस 1 फॉरवर्ड और रिवर्सेबल आपको मिलेगा। यहाँ आपका स्टेयरिंग व्हील दिया हुआ, काफ़ी बड़ा स्टेयरिंग व्हील है। यहाँ पे आपका लाइट स्विच आपके इंडिकेटर आपको दिए हुए हैं। दोस्तों बात करें इसके इंजन की, आपको जो इंजन मिल रहा है इसके अंदर 180 हॉर्स पावर का CRS के साथ आपको इंजन मिलेगा, जो कि IGR टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। इसके अंदर आपको एडिशनल यूरिया और आपको AdBlue डालने की इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है। इसकी बात करें अपन टॉर्क की, जो 660 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 1200 से लेकर 1900 RPM के ऊपर। आप क्लच की बात करें, क्लच 380 mm डायमीटर का आपको सिंगल प्लेट आपको क्लच मिलेगा, जो कि क्लच बूस्टर के साथ आपको मिल रहा है। अब गियर बॉक्स की बात करें अपन, आपको इसके अंदर 6 स्पीड सिंक्रोनस गियर आपको मिलेगा, जो कि आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिल रहा है, जिसका फर्स्ट गियर रेशियो 9.011 आपको इसके अंदर आपको फर्स्ट गियर रेशियो मिल रहा है। बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर पॉलीमर टाइप का आपका फ्यूल टैंक यूज़ किया है। इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया है पॉलीमर यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया है। इसके अंदर जो अगर फ्यूल टैंक में देखा जाए तो पॉलीमर का टैंक है आपका काफ़ी सबसे बेस्ट रहता है। और इसकी जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी रहेगी आपको लगभग आपकी 400 लीटर के आसपास के फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहेगी। अगर टायर्स की बात करें अपन, तो टायर 10R20 के आपको इसके अंदर टायर मिलेंगे, जो कि 16 ply रेटिंग के आपको रेडियल टायर मिल रहे हैं, प्लस आपको इसमें स्टेपनी भी आपको मिल रहा है। बात करें इसके सस्पेंशन की, सेमी इलेप्टिकल मल्टी लिप स्प्रिंग मिलेगा, जो कि इक्वलाइजर लिंक रोड के साथ आपका मिल रहा है। बात करें इसके दोस्तों एक्सल की, फ्रंट एक्सल आपको रिवर्स इलियो टाइप का आपका फ्रंट एक्सल मिल रहा है। वहीं आपका रियर एक्सल हैवी ड्यूटी फुली फ्लोटिंग आपको सिंगल स्पीड हाइपाइड आपका रियर एक्सल आपको मिल रहा है, जिसका रियर एक्सल रेशियो 5.57 आपका रियर एक्सल रेशियो है। वहीं आपके फ्रेम की बात करें अपन, इसका जो फ्रेम का डायमेंशन है 228.2 × 75 × 6 mm का आपका फ्रेम का डायमेंशन रहता है। यहाँ पर आपको सेफ्टी के दृष्टिकोण से आपको इसके अंदर आपको SUPD आपको मिल रही है। दोस्तों इसके ओवरऑल लेंथ की बात करें अपन, जो ओवरऑल लेंथ है मैक्सिमम आपको 11984 mm का आपका ओवरऑल लेंथ मिलेगा। वही आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 260 mm का आपका ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। और जो इसकी ग्रेडेबिलिटी देखी जाए तो काफ़ी अच्छी 22.8% इसकी ग्रेडेबिलिटी आपको दी हुई है, जो कि गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। इसके ब्रेक्स की बात करें, आपको फुल एयर ड्यूल लाइन पर आपको ब्रेक मिलेंगे, जो कि ABS के साथ आपको मिल रहे हैं। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। अगर दोस्तों आपको ऐसे दूसरी गाड़ी के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।